नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एसएसपी सांबा विनोद बेनाम तोष का कहना है कि जितने भी नशा तस्कर हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और एक से एक बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो सांबा जिला के और आसपास के इलाकों में होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, जहां पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 1 किलो की चरस जो है वो बरामद हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों भी ऐसे ड्रग पेडलर्स को लगातार पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उन पर एफआईआर भी लगा रही है, क्योंकि मामला ड्रग्स के जुड़ा हुआ है। जहां पर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति को लेकर जो है वो बड़े बड़े रैलीज निकाली जा रही है। अगर आपने पीछे देखा होगा, बीते दिनों भी अखनूर जिला में जो है वो ड्रग्स को जो खत्म करने के लिए और वहीं पर यूथ को अवेयर करने के लिए भी बड़ी रैली निकाली गई थी और साफ तौर पर ये कहा गया है कि नशा मुक्त अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर जिस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन सब लोगों की गिरफ्तारियां होना या फिर उन सभी लोगों का सामने आना जो कि लगातार नशा ले रहे हैं और नशा तस्करी भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 1 किलो चरस बरामद होना अपने आप में एक बड़ी ताजुब की बात है कि जम्मू शहर के बीचों बीच में ऐसे अभी भी बड़े बड़े जो ड्रग पैडलर्स हैं वो पुलिस से नहीं डर रहे हैं और उनके नाक के नीचे से जो है इस तरीके की ड्रग जो सप्लाई है उसका काम कर रहे हैं। और वहीं पर बीते दिनों जो है एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है और सांबा से ताल्लुकात रखते हुए जो है ये खबर सामने आई थी कि एक पुलिस ने जो है बीते दिनों एक बड़ी कामयाबी उनको हाथ लगी है। जहां पर आपको बता दें कि एसएसपी सांबा बेनाम तोष की बात करते हैं, वह एडिशनल एसपी सांबा सुधीर चौधरी के मार्गदर्शन में पुलिस ने एक बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बीते दिनों एक कुख्यात यानी एक बहुत ज्यादा पुलिस की नजर से भागता हुआ और जिस पर पहले से ही पुलिस की नजर बनी हुई थी, यानी बहुत ज्यादा वांटेड अगर हम कह सकते हैं कुख्यात एक नशा तस्कर जो है उसको हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से 1 किलो की चरस जो है वो बरामद की है। और यहीं पर आपको बता दूं कि उस नशे तस्कर की बात करें, वरुण सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी बड़ी ब्रह्मणा जिला सांबा से रूप में हुई है। आपको बताते चले कि थाना बड़ी ब्रह्मणा ने एफआईआर संख्या 66/2023 जो है उसके तहत 18/19 जो है अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस पूरी गिरफ्तारी में एक अहम रोल जो है वो निभाया है एसडीपीओ बड़ी ब्रह्मणा राहुल नागर की निगरानी में और एसएचओ थाना प्रभारी बड़ी ब्रह्मणा सुनील शर्मा और पीएसआई शक्ति सिंह के जो है उन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि 1 किलो चरस उसने कहीं स्पॉट पर पहुंचानी थी, फिर उस चरस को आगे यूथ जो है वो अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए जो है वो ले रहे हैं। और ऐसा भी जरूरी है कि ऐसे बड़े बड़े नशे तस्कर पकड़े जाने चाहिए ताकि इनसे तमाम वो चीजें मालूम की जा सके कि कहां से ये नशा जो है वो ला रहे हैं और आगे किन किन को सप्लाई करना था और कौन कौन से जो ड्रग पेडलर्स हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस मामले पर आपको बताते चलें कि वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष सांबा ने कहा है कि इन नशा जो आपूर्ति करने के लिए जो ये नशा मादक पदार्थ हैं इनकी इन पर जो है आने वाले समय में भी और ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इनको जो ये नशा तस्करों की आपूर्तियों को पूरा करते हैं इन पर कड़ी नजर जो है रखी जाएगी ताकि नशा जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त जो है कानून जो है वो अभियान चलाया जा रहा है और उनके तहत इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों भी ऐसे ही छोटे मोटे जो ड्रग पेडलर्स हैं वो पकड़े गए थे, जिनके पास कभी 5 ग्राम और कभी 4 ग्राम जो है इस तरीके की चरस जो है वो बरामद हुई है। लेकिन इस व्यक्ति के पास से 1 किलो चरस जो है वो बरामद हुई है और एसएसपी सांबा बेनाम तोष का कहना है कि ऐसे किसी भी नशे तस्कर को नहीं छोड़ा जाएगा जो इस तरीके की नशे तस्करी का काम जो है वो कर रहे हैं और यूथ की जो जिंदगी है वो खत्म करने में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। फिलहाल तक के लिए एक बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि एक कुख्यात था और लगातार पुलिस को इसकी तलाश भी थी। क्या कुछ और बाकी अपडेट्स रहेंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए न्यूज इन मिरर के साथ। और बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। नमस्कार।